देखिए, यह विषय बहुत गंभीर है और ये हमारे सभी प्रदेश के जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला है, रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। और इस पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जहां पर भी गड़बड़ियों की शिकायत आई है, हमने उसकी जांच के सख्त आदेश दिए हैं। एसटीएफ को उसके लिए नियुक्त किया है, कुछ मामलों में हमने विजिलेंस को नियुक्त किया है। सभी पर कार्रवाइयां चल रही हैं और ये आप सबके सामने आ भी रहा है कि 25 गिरफ्तारियां अभी तक हो गई हैं और कोई भी इसमें छूटने वाला नहीं है। चाहे किसी के हाथ कितने लंबे क्यों न हो, कानून अपना काम करेगा, जांच उस तक पहुंचेगी। इसमें हम यह भी एक नजीर आगे के लिए बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में कभी इस प्रकार की घटना की कोई पुनरावृत्ति न हो। इसलिए एक सिस्टम जो है, हमें हमारे बेटे बेटियों की आज की चिंता है, कल की भी चिंता है, उनके वर्तमान की चिंता है तो उनके भविष्य की भी चिंता है। इसलिए हमने कहा है कि इस भर्ती को, ये जितनी भी हमारी भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो इस प्रकार से फुल प्रूफ हों कि आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार का कृत्य करने की कृत्य करना तो दूर, इस तरफ सोचना भी जो है उसको बहुत उसकी सोच में भी कभी ना आए। तो इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। आपने कहा विधानसभा की बात, विधानसभा क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है और मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं, अगर कहीं पर गड़बड़ी की शिकायत आई है, वो किसी के भी कालखंड में हुई है, तो उन सभी भर्तियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसमें सरकार की तरफ से जो भी वो हमको कहेंगी, जो भी सहयोग वो मांगेंगी, किसी संस्था की बात करेंगी, किसी जांच एजेंसी की बात करेंगी, हम हर सूच जो है उनको देने के लिए तैयार हैं। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि जहां पर भी गड़बड़ी हो उसकी निष्पक्ष जांच हो। जो भी परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उनको किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भी हम पूरी तरह से जो है उसकी छानबीन कर रहे हैं। जिन लोगों ने मेहनत से अपनी परीक्षाएं पास की है, उनके साथ हम किसी प्रकार का भी जो है उनका नुकसान नहीं होने देंगे और जो न्याय का सिद्धांत है, उस न्याय के सिद्धांत पर काम करेंगे।